देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। सनी देओल को बैंक की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सनी देओल का घर सनी विलाब नहीं बिकेगा। जी हां, सनी देओल को बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से यह नोटिस दिया गया था कि उनके घर की नीलामी होगी, जिसके बाद से उनके फैंस काफी शॉक में थे। लेकिन अब यह खबर आई है कि सनी देओल का बंगला, उनका घर सनी विला नहीं बिकेगा। सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से लगभग 56 करोड़ का लोन लिया था जो कि वो चुका नहीं पाए थे, जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये नोटिस निकाला गया था कि 25 सितंबर को सनी विला की नीलामी होगी। लेकिन अब सनी देओल को बड़ी राहत मिली है। बैंक की तरफ से ये सूचना दी गई है कि अब सनी विला की नीलामी नहीं होगी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बताया है कि तकनीकी कारणों के वजह से इस नोटिस को वापस ले लिया गया है। अभी हाल ही में सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई, जिसने पूरे देश में गदर मचा दिया और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने लगभग 433 करोड़ रुपयों की कमाई की। उसके बाद जब ये खबर आई कि सनी देओल का बंगला सनी विला बिक जाएगा तो उनके फैंस काफी शॉक हो गए। उन्हें लगा इतने बड़े एक्टर और लोकसभा सांसद का घर आखिर नीलाम कैसे हो सकता है। लेकिन अब सनी देओल को बैंक की तरफ से राहत मिल गई है। अब सनी देओल का सनी विला नहीं बिकेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह स्पष्ट तरीके से बताया है कि तकनीकी कारणों के वजह से ये नोटिस वापस लिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ये जो तकनीकी खराबी हुई है, ये किसके प्रेशर में हुई है, ये जो नोटिस 24 घंटे से भी कम समय में वापस ले लिया गया, इसके पीछे कौन है, किसका प्रेशर है। हालांकि ये तकनीकी खराबी क्यों हुई, कैसे हुई और 24 घंटे से भी कम समय में ये नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्यों वापस ले लिया, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन अब सनी देओल चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि उनका बंगला सनी विला नीलाम नहीं होगा। 25 सितंबर को बैंक के तरफ से घर की नीलामी की डेट भी रख दी गई थी, लेकिन अब सनी देओल चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि उनका सनी विला अब नहीं बिकेगा। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।